नमस्कार दोस्तों, मैं सागर पवार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम नेटवर्क इंडस्ट्रीज में सक्सेस होने के लिए क्या चीज़ें जरूरी है और कौन सी चीज़ें देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में देखने वाले। उसमें से तीन पॉइंट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो अगर देखेंगे और उसके साथ अगर हम चलेंगे तो गारंटेड हम यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। तो वो तीन चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वो देखने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए ताकि हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है, वो है कंपनी का विजन। तो जो भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में काम करने का सोच रहे हैं, वो कंपनी का विजन बड़ा होना चाहिए। देखिए, अगर विजन नहीं होगा, विजन कंपनी का लॉन्ग टर्म नहीं होगा तो वो कंपनी ज़्यादा चलेगी नहीं। बहुत सारे ऐसी कंपनियाँ मैंने देखी है जो देखा जाए तो चालू करने से पहले बंद कब करना इसके बारे में सोचते हैं। तो कंपनी का विजन अच्छा होना चाहिए। विजन अगर नहीं होगा, एक गोल नहीं होगा कि हमें कहाँ पे जाना है, ये अगर आपके पास गोल नहीं होगा, कंपनी के पास गोल नहीं होगा तो कंपनी वो ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं, ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। तो उसका विजन होना बहुत ज़रूरी है। तो लॉन्ग टर्म विजन भी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फुटबॉल का जो गेम है, फुटबॉल की गेम में अगर गोल ही नहीं होता तो सोच लीजिए वो गेम कैसा होता। तो गेम पूरा चलता रहता, यहाँ पे कोई भी जीतता नहीं है तो कोई हारता भी नहीं। तो इसके लिए गोल होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं, कि हमने जियो हमें पता है, जियो जब लॉन्च हुआ तो लॉन्च होने से पहले 10-15 साल पहले हर एक गांव में जेसीपी से खड्डा खोदते थे और वायर डालते थे। हर एक गांव में ऐसा काम चालू था पर किसी को भी पता नहीं था कि ये काम क्या चालू है। और वो होने के बाद 10 साल के बाद जियो लॉन्च हो गया, यानी कि जियो रिलायंस ने जो लॉन्च किया तो रिलायंस ने 10 साल के बाद मुझे क्या करना है, कहाँ पे जाना है, मुझे क्या लॉन्च करना है, ये 10 साल के बाद जो चीज़ें करनी है वो 10 साल पहले सोच ली थी। उसी तरह से अगर हमारी कंपनी 10 साल के बाद क्या करना है इसका ब्लूप्रिंट अगर कंपनी के पास होगा तो ही उस कंपनी में हम सक्सेस हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारी कंपनी के पास 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का हमें ब्लूप्रिंट होना चाहिए। कंपनी का विजन होना बहुत जरूरी है। जो कंपनी का विजन अच्छा है उसी कंपनी में आप सक्सेस हो सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट था कि हमें ये कंपनी का विजन देखना बहुत जरूरी है। अभी दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट है वो है प्रोडक्ट। देखिए, पुराने जो प्रोडक्ट चालू है सालों से, 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से, 50 साल से जो प्रोडक्ट चालू है उसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हम दुनिया के पीछे ही रहेंगे। और हर एक कंपनी के पास वही प्रोडक्ट है और वही प्रोडक्ट लेके अगर हम काम करेंगे तो भी हम पीछे रहेंगे, क्योंकि हर एक कंपनी के पास प्रोडक्ट है तो आपके पास से क्यों लेंगे। तो आपके पास कुछ अलग होना चाहिए, तब जाके लोग आपके पास से प्रोडक्ट खरीदी करेंगे और वो यूज करेंगे, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। उस प्रोडक्ट की जरूरत होनी चाहिए, गरज होनी चाहिए। जब उस प्रोडक्ट की गरज होगी, जरूरत होगी, तो ही लोग यहाँ पे वो आपका प्रोडक्ट जो है वो यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट जो है वो यूजेबल होना चाहिए। देखिए, पहले जो प्रोडक्ट देखते थे हम, वो पहले प्रोडक्ट ऐसे ड्यूरेबल प्रोडक्ट आते थे। ड्यूरेबल यानी कि वॉच है, सूट लेंथ है, फिर ब्रेसलेट होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ हम काम करते थे। पर अभी देखा जाए, उसके बाद हेल्थ के प्रोडक्ट आ गए। हेल्थ के प्रोडक्ट के बाद अभी देखा जाए तो ऑनलाइन प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। उसी तरह से हमें हमारी कंपनी भी प्रोडक्ट चेंज कर रही है क्या, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज़ देखिए, हमने कंपनी का विजन, दूसरी चीज़ है कंपनी का प्रोडक्ट, और तीसरी जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेंड। देखिए, हर 10-20 साल में ट्रेंड चेंज होता रहता है, 10-20 साल में चेंज होता रहता है, ट्रेंड जो है चेंज होता रहता है। तो उसी तरह से ट्रेंड के साथ अगर हम चेंज नहीं हुए तो उस ट्रेंड में हम टिकेंगे नहीं। देखिए, कितने लोग हैं जो बैलगाड़ी से ऑफिस जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पे भी हम जाते हैं कितने लोग हैं जो बैलगाड़ी से जाते हैं, कोई भी नहीं है। क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी हमारे पास बाइक है, कार है, बस है, ट्रैवल है,
उसके बाद हम देखा जाए तो हेलीकॉप्टर है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, ऐसे बहुत सारे व्हीकल आने आ गए हैं। और उसी कारण हम क्या करते हैं, वो ट्रेन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, तो हमने क्या किया, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, बदलते हुए ट्रेंड को यूज किया। कितने लोग हैं जो खत बेचते हैं, अभी तो कोई खत बेचता नहीं है, अभी एक क्लिक में हमारा मैसेज एक सेकंड के अंदर सामने वाले को पहुंच जाता है। यानी कि ये टेक्नोलॉजी बदल गई, ट्रेंड चेंज हो गया है। कितने लोगों के पास बटन वाला मोबाइल है, बहुत ही कम लोगों के पास बटन वाला मोबाइल होगा, क्योंकि अभी एंड्रॉयड मोबाइल है, आईफोन, हर एक व्यक्ति के पास अभी देखा जाए तो आईफोन है, और आईफोन लेके लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं या मोबाइल का यूज कर रहे हैं। यानी कि क्या हुआ, हर एक चीज़ में ऐसे एग्जांपल दिया जाए तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, पर हर एक चीज़ क्या हो रही है, चीज़ चेंज हो रही है, यानी कि ट्रेंड बदल रहा है, और उस ट्रेंड के साथ हमें भी बदलना होगा, और ये ट्रेंड के साथ अगर हम बदलते हैं तो हम यहाँ पे सक्सेस हो जाते हैं। तो उसी प्रोडक्ट को, उसी ट्रेंड को लेके अगर हम चलेंगे तो हम यहाँ पे सक्सेस होने वाले नहीं है। हमें जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का है, उसका जो प्लान है वो किस तरह का है, और ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। अगर नए ट्रेंड के साथ और नए प्रोडक्ट के साथ अगर कंपनी काम कर रही है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगर कंपनी काम कर रही है तो हम यहाँ पे सक्सेस हो जाएंगे। तो ये तीन चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो देख लीजिए कि कंपनी के पास ये तीन चीज़ें है क्या, और स्ट्रांग है क्या, और जो भी कंपनी में आप काम करना सोच रहे वो भी कंपनी में के साथ आप ये तीन चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं कि ये तीन चीज़ें अगर उसके पास होगी तो आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। आया होगा तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आप लास्ट तक बने रहे तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे लास्ट तक यहाँ पे वीडियो देखा, सो थैंक यू।